बॉलीवुड में अक्सर जब शादियां होती हैं तो काफी धूमधाम के साथ होती हैं। सबको पता चल जाता है कि बॉलीवुड की आज ही बड़ी शादी होने वाली है, लेकिन आज एक गुपचुप तरीके से शादी हो रही है। और आज शादी है और किसी को पता तक नहीं चला। कल उस समय सबको पता चला जब घर सजने लगा, तब लोगों को लगा कि ये घर अचानक क्यों सजाया जा रहा है। और जब ज्यादा पता करने की कोशिश की तो पता चला कि भैया आज तो इनके घर शादी है। मैं बात कर रही हूँ कपूर खानदान की, जहां आज शादी होने वाली है। अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर की आज शादी है करण बुलानी के साथ। पिछले 13 साल से वो रिलेशन में हैं। कल उनके घर के बाहर लाइटिंग्स लगाई गई, पूरा घर जो है दुल्हन की तरह सजाया गया। और आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले सोनम कपूर भी इंडिया लौटी थी, क्योंकि सोनम की बहन रिया की आज शादी है। और इस शादी के बारे में फिलहाल किसी को नहीं पता था, बहुत कम लोगों को इनवाइट किया गया है, सिर्फ घर के कुछ लोग होंगे। सोनम कपूर की शादी की तरह बहुत ज्यादा और बड़ा तामझाम नहीं होगा। करण बुलानी जो है आयशा फिल्म में उनके साथ जो है रिया की मुलाकात हुई थी, तब रिया 21 साल की थी और वो असिस्टेंट डायरेक्टर डायरेक्टर रह चुके हैं। तो अनिल कपूर के घर के बाहर काफी समय तक जो है लोगों ने इस बात को पता लगाना चाहा कि आखिर किसकी शादी है, क्यों घर सज रहा है। तब जाके पता चला कि सिंपल और सॉबर तरीके से उनकी बेटी रिया की आज शादी होने वाली है। तो करण की मैं बात करूं तो काफी समय से डेट कर रहे हैं। 3 साल पहले नवंबर 2018 में बहन सोनम कपूर की शादी के समय रिया ने करण संग अपने रिश्ते को कंफर्म किया था। रिया और करण की लव स्टोरी आयशा के सेट पर शुरू हुई थी। रिया ने फिल्म के 9 साल पूरा होने पर इस बात का खुलासा किया था, लिखा था, मेरी पहली फिल्म और मेरा पहला प्यार, मैं 21 साल की थी और तब ये शुरू हुआ। इस पर करण ने लिखा था, हमारी लव स्टोरी मेरी फेवरेट है। तो एक बात तो तय है कि आज अनिल कपूर की दूसरी बेटी भी उनके घर से विदा होंगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि करण काफी समय से उनके फैमिली मेंबर की ही तरह थे, तो आज जो ये शादी है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह है।